तो सेंट्रल डॉगमा विषय वीडियो रे पढ़ा तो सेंट्रल डॉगमा माने आमर बॉडी रे जेनेटिक मटेरियल कौन अच्छे जेनेटिक मटेरियल डीएनए रही डीएनए आम जेनेटिक मटेरियल सो आमर जो आरएनए रही बॉडी रे आरएनए तो से गुडा हो नॉन जेनेटिक आरएनए सो ये जो नॉन जेनेटिक आरएनए रहिला कौन पे बिकॉज हम डीएनए टा होची हम जेनेटिक मटेरियल आरएनए टाइप जोटा रहिला से गुडा नॉन जेनेटिक बिकॉज ताकरो रेप्लिक ताकरो हेल्प करंती ने हमरो कैरी करिया को इन्फॉर्मेशन कैरी करिया को पेरेंट रो ऑफस्प्रिंग पाखु को हेल्प करंती ने तो से दे आरएनए को कुआ जाय नॉन जेनेटिक तो ये जो नॉन जेनेटिक आरएनए टा रहिला आम बॉडी रे तो एटा दीटा सॉरी तीनटा टाइप रो रहे तो एमआरएनए आरआरएनए औ टीआरएनए तो एमआरएनए माने होची मेसेंजर आरएनए आरआरएनए माने होची राइबोसोमल आरएनए टीआरएनए माने होची ट्रांसफर आरएनए सो तीनटा टाइप रो तुमरो आरएनए रहिला ओके सो अमरो बॉडी रे कोन हुए ना डीएनए रु आरएनए तयारी हुए आरएनए रु प्रोटीन तयारी हुए ओके तो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए रहिला तो डीएनए को यूज करिकी आरएनए तयारी हुए आरएनए को यूज करिकी प्रोटीन तयारी हुए तो एही प्रोसेस टा टोटल कुआ जाय सेंट्रल डॉगमा तो सेंट्रल डॉगमा जो डिफाइन करिवा तो कोई परिवा द प्रोसेस बाय व्हिच प्रोटीन इज प्रिपेयर्ड बाय सॉरी फ्रॉम डीएनए व्हिच आरएनए इंटरमीडिएट इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा तो ये प्रोसेस को दे सेंट्रल डॉगमा जो थरे प्रोटीन टा फाइनल प्रोडक्ट कौन प्रोटीन जोड़ा तैयारी हो ची डीएनए रूप एक्चुअल तमरो फर्स्ट जे रॉ मटेरियल जोड़ा कौन थी सेटा डीएनए एंड प्रोडक्ट टा हो ची प्रोटीन मझेरे इंटरमीडिएट रही जाइए आरएनए तो सही ए प्रोसेस टा कहते सेंट्रल डॉगमा तो यहाँ जो देखा तो यहाँ कौन हुए डीएनए टा रु आरएनए थरे हुए तापरे आरएनए रु प्रोटीन फॉर्मेशन हुए सो डीएनए रु जो आरएनए है तो कहला ट्रांसक्रिप्शन तो प्रोसेस टा जो जो प्रोसेस है डीएनए रो आरएनए फॉर्मेशन हुए तब को जे ट्रांसक्रिप्शन अब जो प्रोसेस रे आरएनए रो प्रोटीन फॉर्मेशन हुए तब को जे ट्रांसलेशन बुझला ट्रांसक्रिप्शन आउ ट्रांसलेशन सो डीएनए रो आरएनए प्रिपेयर हो छि ट्रांसक्रिप्शन को जे तो सेम दी रिवर्स प्रोसेस भी हुए तो एटा बडा रिवर्सिबल रिएक्शन कोइ परिया तो डीएनए रो आरएनए होउछे पूर्ण कोन हेइ परिबो आरएनए रो बैक करी के डीएनए भी तयारी हेइ परे तो सेही प्रोसेस उ कह जाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस टा अपोजिट टू ट्रांसक्रिप्शन तो ट्रांसक्रिप्शन रे कोन होतला हम देखले कि हमरो आरएनए रु सॉरी डीएनए रु आरएनए प्रिपेयर होतला किंतु रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रे उल्टा आरएनए रु डीएनए प्रिपेयर तो आरएनए रु जो डीएनए प्रिपेयर हुए तो सेथरे एंजाइम टा लगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ओके सो जितते बेले किंतु हम इवोल्यूशन टा देखिबा तो जूलॉजी रे अछि इवोल्यूशन पार्ट टा जो तरह की नुआ नुआ ऑर्गेनिज्म अराइज कर चंती नुआ नुआ स्पीसीज जन्म हो चंती तो सेते बेले उटा आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस अछि
आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। तो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहला कि तुमरो टोटल जिते आगे ऑर्गेनिज्म जन्म होते तो आरएनए थिला जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल थिला कौन आरएनए। तो आरएनए टा कौन आम जानचे जिते आरएनए टा सिंगल स्टैंड अवस्था थाए एक्टिव रोए तो जिते से डबल स्टैंड हो जाए इनएक्टिव हो जाए। सो जिते और लेस रिएक्टिव हो जाए तो एटा अनस्टेबल स्टेट रे अछि इदि अधिक रिएक्टिव स्टेट रे। सो जिते फास्ट टाइप रो ऑर्गेनिज्म हम देखिवा जिते फास्ट टाइप रो ऑर्गेनिज्म माने हेटेरो ट्रॉपिक केमो सिंथेटिक बैक्टीरिया माने जो माने निजो फूड प्रोडक्शन करि पर नथले और केमिकल रु निजो फूड तयारी केमिकल रु निजो फूड अक्वायर करते केमिकल को निज फूड भाव नौ थे तो से भाया बैक्टेरिया आगे तैयारी होते तो तांकर जेनेटिक मटेरियल कौन थला आरएनए। आस्ते आस्ते कौन हो गला ना आरएनए टा कन्वर्ट हो गला डीएनए। ओके आरएनए जो थला डीएनए तो आरएनए और डीएनए भी दीटा खाली डिफरेंस जनरली मार्क कर पर आरएनए रे कौन थाए जिते आम देखा सुगर स्ट्रक्चर तो सुगर रो एक दुई दिन नंबर कार्बन टू कार्बन दिन नंबर कार्बन रे गोटाए ऑक्सीजन मोर डीएन आरएनए कौन अच्छी सुगर स्ट्रक्चर ता दिन नंबर कार्बन एटी गोटे कार्बन एटी 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 पांचटा कार्बन अच्छी जो पेंटोस सुगर रो डीएनए स्ट्रक्चर कहती तो दिन नंबर कार्बन रे ऑक्सीजन गोटे एक्स्ट्रा अच्छी कौन थे आरएनए बट से पोजिशन डीएनए से ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं। ओके तो सेपाई डीएनए रो तार जो सुगर रो सुगर फॉर्मूला होची C5H10O4 तो गोटे ऑक्सीजन टू डी दिन नंबर कार्बन रो गोटे कमी जाए डीएनए तो जहाद्वारा कि डीएनए टा को कह जाए डीऑक्सी। सो सेकेंड पॉइंट होची तांकर आरएनए रे यूरासिल एटी कन्वर्ट हो जाए थायमिन तो यूरासिल टा थायमिन रे कन्वर्ट हो जा जगह तो डीएनए रे कौन ए यू होता तो सॉरी आरएनए रे ए यू होता तो डीएनए रे कौन हो टी माने यूरासिल जगह थायमिन टा एड हो डीएनए तो यही प्रोसेस जो देखा तो तुम कौन है दिन नंबर पोजिशन कार्बन पोजिशन गोटे ऑक्सीजन बाहरी गला आ यूरासिल को रिप्लेस कर देला किए थायमिन तो यही प्रोसेस रे कौन है ना तुमर आरएनए ता जोटा जेनेटिक मटेरियल थला फर्स्ट टाइप रो ऑर्गेनिज्म रे सेटा परे कन्वर्ट हो गला डीएनए रे तो ता परे जते इवोल्यूशन हैला ता परे जते ऑर्गेनिज्म हायर ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हेले ताको जेनेटिक मटेरियल कोन रहला तकर जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहला आरएनए रु कोटा हो गला डीएनए तकर जेनेटिक मटेरियल हो गला। सो तो एटा ए जो आरएनए थला ताको जेनेटिक मटेरियल आरएनए रहूची फर्स्ट टाइप रो ऑर्गेनिज्म तो आरएनए दीटा टाइप रही तो आरएनए कौन रही जेनेटिक रही आउ नॉन जेनेटिक तो नॉन जेनेटिक को उधर हायर ऑर्गेनिज्म रे हायर ऑर्गेनिज्म रे कौन रही आरएनए टा नॉन जेनेटिक बिकॉज आमर जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो और मन रख पार तो डीएनए जार जेनेटिक मटेरियल तांको आखिउजी कहि परिवो कि तांकर नॉन जेनेटिक टाइप रो आरएनए रही कहीं जेनेटिक मटेरियल एनी वन हो पार तो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए जमती हेल्ले नॉन जेनेटिक टाइप रो हम आउ लोअर टाइप तो फर्स्ट प्रिमिटिव प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म तर जेनेटिक टाइप रो आरएनए रहुतला कहीं डीएनए फॉर्मेशन हो पार नाला तो ये होल्डा रहा तुम सेंट्रल डॉग्मा कथा आउ आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। तो सेंट्रल डॉग्मा कौन कहला कि डीएनए रु आरएनए फॉर्मेशन हो आरएनए रु प्रोटीन तो प्रोटीन डिफरेंट टाइप रोचे जमी एंजाइम्स हार्मोन्स सो आमर अन्य मेम्ब्रेन प्रोटीन भी रोचे प्रोटेक्शन जो प्रोटीन गुरा रोचे तो
डिफरेंट टाइप रो प्रोटीन गुरा आम बॉडी रे तैयारी दरकार तो से गुडा सब तैयारी होची को पार्ट डीएनए रु तैयारी होची आरएनए को यूज करचंदी कोन एज इंटरमीडिएट तो प्रोसेस से बुझ पाइलो एटा डीएनए रु आरएनए हला ट्रांसक्रिप्शन आरएनए रु प्रोटीन हला ट्रांसलेशन आरएनए रु डीएनए रिवर्स प्रोसेस एटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम यूज हला एठी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो एतिक थेला अबाउट योर सेंट्रल डॉग्मा तो नेक्स्ट वीडियो रे सब ए प्रोसेस विषय स्टडी करिया केमती सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस टा चल तो थैंक यू।